क्वेश्चन नंबर 115 को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। इफ सिक्स डिजिट नंबर 5x2 y6z इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y प्लस 3z इज। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने बताया होगा कि अगर बहुत ज्यादा नंबर से डिविजिबिलिटी दिया है ना, तो अलग अलग चेक करने के बजाय आप डायरेक्टली डिवाइड करने का सोच सकते हो। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 7 11 एंड 13 का, ये कितना हो गया 91 × 11 1001। तो 1001 एलसीएम हो गया। अच्छा, 1001 से डिविजिबिलिटी का एक बहुत ही मस्त रूल है कि अगर आपके पास नंबर ABC के फॉर्म में है, ये होगा डिविजिबल बाय 1001। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि देखो ABC × 1000 है, क्योंकि 300 डिजिट्स उसके लिए 1000 प्लस एबीसी हो गया। एबीसी एक नंबर है, अभी एबीसी हमने कॉमन ले लिया, तो 1000 प्लस 1 कितना आ गया 1001। तो अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो वह 1001 से डिविजिबल हो। 1001 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वह 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी, 13 से भी। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ना 5x2y6z, इसमें देखिए 3 डिजिट रिपीट करना चाहिए, तो x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, एंड z का वैल्यू क्या आ गया है 2। निकालना क्या है, x माइनस y प्लस 3z, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5, 3z का मतलब 6, तो आंसर आ गया 7। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 7। तो आप समझ पाए क्या है, और इसको ना याद रखना है, बहुत ही काम का चीज है कि ABC अगर आया तो डिविजिबल होगा 1001 से। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।